ब्लॉक प्रमुख संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह सेनानी ने ब्लॉक प्रमुखों की तमाम समस्याओं को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें जिले के अधिकांश ब्लॉक प्रमुख मौजूद रहे। ब्लॉक प्रमुख संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि क्षेत्र पंचायतों में शासनादेश 1783 द्वारा इम्प्लीमेंट एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, लेकिन जिला लेवल पर उस आदेश को क्रियान्वित नहीं किया गया है। इसी शासनादेश में व्यवस्था दी गई है कि कराए गए कार्यों में मजदूरी एवं सामग्री के भुगतान विकास खंड में तैनात खंड विकास अधिकारी और प्रमुख क्षेत्र पंचायत के संयुक्त डिजिटल हस्ताक्षर से किया जाएगा। जिस प्रकार पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत प्रमुख और वीडियो के संयुक्त डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा भुगतान की समस्त वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण की जाती है, मनरेगा अधिनियम में भी इसी की व्यवस्था लागू हो, क्योंकि एक विकास खंड में दो विभागों द्वारा दो प्रकार की भुगतान व्यवस्था चल रही है जो विधि सम्मत नहीं है। मुझे पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुख संघ का अध्यक्ष चुना गया है, जिसमें हरदोई जनपद के ब्लॉक प्रमुखों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए अपने गृह जनपद में आने पर मैं मीडिया के माध्यम से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जनपद के सभी हमारे जनप्रतिनिधियों को, माननीय विधायकगण, माननीय सांसद, मंत्रीगण, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष, उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। अपने मीडिया के साथियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया और प्रदेश स्तर पर नेतृत्व करने का मुझे अवसर मिला। मैं आज इस सभागार के अंतर्गत अपने जनपद से ही इस व्यवस्था को ठीक करना चाह रहा था कि जहां पर तालमेल की कमी है अधिकारियों और ब्लॉक प्रमुखों के मध्य, उस व्यवस्था को, तालमेल को ठीक करने का प्रयास अपने जनपद से किया जाए, इसलिए मैंने ये आज की प्रेस वार्ता यहां पर। आगे मेरा प्रयास रहेगा पूरे उत्तर प्रदेश की जो ब्लॉक प्रमुख संघ की कमेटी है उसका गठन करना, सभी जनपदों में ब्लॉक प्रमुख संघों की कमेटियों का गठन करके मंडल स्तर पर उसको बैठ के करना, और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय हमारे डिप्टी सीएम कुसुम अरिक जी के आशीर्वाद से इस संगठन को बेहतर तरीके से समन्वय में ला करके चलाना। पंचायती राज की समस्याएं हैं, जिसमें ब्लॉक प्रमुखों को बहुत सारे अधिकार पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत दिए गए हैं, जिसमें धारा 52 में ब्लॉक प्रमुखों को असीमित अधिकार है, उसको लागू कराने की मांग हमने जिला अपने पंचायती राज मंत्री के समक्ष रखी थी और उन्होंने खुले मंच से व्यवस्था को लागू कराने का वचन दिया है। शीघ्र ही हमारी एक बैठक, बड़ी बैठक पूरे प्रदेश के ब्लॉक प्रमुखों की, माननीय ग्राम विकास मंत्री डिप्टी सीएम के साथ में और पंचायती राज मंत्री के संयुक्त अधिकारियों के साथ में एक बैठक होगी लखनऊ में, और मुझे आशा है कि इस बैठक के बाद हमारे ब्लॉक प्रमुखों की सारी समस्याओं का समाधान होगा और बेहतर तरीके से विकास की धारा को हम सभी ब्लॉकों में मिलकर के चला सकते। जयगुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।